मंगलवार को सरकाघाट नागरिक अस्पताल में राइज फाउंडेशन और रोटरी क्लब मंडी ने सरकाघाट बस स्टैंड से अस्पताल तक लोगों के आगमन के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो का प्रावधान किया है। इसका शुभारंभ सरकाघाट SDM राहुल जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। राइज ऑफ फाउंडेशन के सदस्य अखिल गुप्ता ने बताया कि सरकाघाट की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकाघाट बस स्टैंड से अस्पताल तक लोगों को पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, जिसका समाधान फाउंडेशन ने भौगोलिक स्थिति का सर्वे करवाया और IIT कमांड इंजीनियर्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक ऑटो पर पूरा रिसर्च किया और लोगों को ऑटो खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकारी क्लियरेंस कार्रवाई और फंड का प्रावधान कर पहला इलेक्ट्रिकल ऑटो सरकाघाट के लोगों को हॉस्पिटल से बस स्टैंड की दूरी तय करवाने के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि यह ऑटो मात्र 15 रुपये में सवारी सरकाघाट के नागरिकों को बस स्टैंड से अस्पताल छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। राइज फाउंडेशन मंडी और रोटरी क्लब के मंडी के प्रयासों के तहत आज सरकाघाट को ई रिक्शा मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सरकाघाट के जनता को, जिनको एक बहुत समय से एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बस स्टैंड से सरकाघाट हॉस्पिटल तक पहुंचने आने और जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। राइज फाउंडेशन ने हमारी प्रॉब्लम को समझा, सरकाघाट के लोगों की समस्या को समझते हुए उन्होंने ई ऑटो को लॉन्च इस क्षेत्र के अंदर कराया है। इस ई ऑटो का काम, सबसे पहला काम ये रहेगा कि सरकाघाट हॉस्पिटल से बस स्टैंड तक का सफ़र मात्र 15 रुपये में तय करेगा। मेरा क्षेत्र के लोगों से भी ये आह्वान है कि जो भी लोग बस के माध्यम से आएँ और उनको अस्पताल आना हो, वो अभी हम हेल्पलाइन नंबर इसके जो लॉन्च करने जा रहे हैं उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके अपना ऑटो बुक करा सकते हैं और मात्र 15 रुपये में सरकाघाट हॉस्पिटल भी पहुँच सकते हैं, हॉस्पिटल से बस स्टैंड भी जा सकते हैं। धन्यवाद।